हेलो, दिस इज योर बॉय तलहा मुगल, कम बैक विद न्यू व्लॉग। तो यार, सारे इंग्लिश आज नहीं बोलेंगे, तो वीडियो का टाइटल और थंबनेल लेके आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि आज हम बात करेंगे पैशन के बारे में। आज हम बात करेंगे मेरे क्रेज़ के बारे में कि आपके भाई को किस चीज़ का शौक है, शौक रहा है। तो उससे पहले मेक श्योर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो बात करते हैं पैशन के बारे में। चलिए, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट माई पैशन, नॉट अ माई हॉबीज़। हॉबीज़ वाला टॉपिक अलग है, वो किसी और दिन किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मेरे शौक़ के बारे में, मेरे पैशन के बारे में। तो यार, जो मेरा पैशन बचपन से रहा है वो है नेचुरल फिनोमिना ऑफ स्पीड। यानी कि आपके भाई को शौक़ है स्पीड का, चाहे वो सुपर बाइक्स हों, कार्स हों, कुछ भी हो, लेकिन शौक़ है भाई स्पीड का। स्पीड में कोई चीज़ मैटर नहीं करती, मैटर करती है कि वो कोई भी चीज़ हो, बाइक हो, कार हो, प्लेन हो या कुछ भी हो, शौक़ रहा है बचपन से स्पीड का, रफ्तार का। और बचपन से शौक़ था स्पोर्ट्स कार्स का, स्पोर्ट बाइक का। ये वाला टॉपिक भी कोई और है, इस दिन डिटेल से बात करेंगे। आपके भाई को अल्हम्दुलिल्लाह हर बाइक का, हर सुपर बाइक का, क्रूज़र बाइक का, ट्रेल बाइक का, हर तरह की गाड़ियों का, हर चीज़ का, प्राइस से लेकर इंजन की हॉर्स पावर तक अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पता है। वो भी किसी और दिन बात करेंगे, आज बात करेंगे इंशाल्लाह रफ्तार के बारे में। और भाई, इस नेचुरल फिनोमिना के साथ मेरा बहुत गहरा ताल्लुक है। सबसे पहले बात करते हैं कार्स की तरफ आते हैं। कार्स में सबसे पहले मैं बैठा था ईवो में, जो कि ऑलमोस्ट 380 हॉर्स पावर ट्यून्ड कार थी। वो हमारे एक जानने वाले बड़े प्यारे भाई हैं, उनका नाम मैं अभी एक्सपोज नहीं करूँगा। उनके साथ मैं बैठा था, उन्होंने अपनी ईवो के ऊपर 230 से लेकर 240 तक का मीटर मारा, मैं उनके साथ बैठा हुआ था। तो यार, वो जो एक थ्रिल था ना, वो जो एक यहाँ मेरे दिल के ऊपर जो एक ऐसे ज़ोर पड़ा था, उस चीज़ ने यार मुझे, मैं वो चीज़ देख के पिघल गया। जब वो गाड़ी का मीटर जब 240 तक जब जा रहा था, तो भाई आपका भाई एकदम उस दिन का तहिया कालिया था कि यार ये कमाल चीज़ है जो अल्लाह पाक ने एक नेचुरल फिनोमिना बनाया स्पीड का, अनबिलीवेबल। सेकंड नंबर पे बात करते हैं, मैंने जब छोटा था, जब उमरा करने गए थे, तब वहाँ पर एक मर्सिडीज़ एस क्लास S600 माई बैग में, मैंने 2008 मॉडल में बैग थी जिसमें मैंने सफ़र किया था, उसमें भी ऑलमोस्ट 200 का मीटर वगैरह टच किया था। लेकिन तब बच्चे थे, तब बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन तब इतना कुछ पता नहीं था। तो तीसरे नंबर पे होंडा सिविक टर्बो 1.5 के ऊपर 210-20 का मीटर मारा था। वो भी यार एक ग्रेट एक्सपीरियंस था, बड़ा मज़ा आया था। अपने हाथ से कभी चलाया, अपने हाथ से तो नहीं चलाई, साथ बैठ के स्पीड वगैरह एंजॉय की है खुद। वैसे मैंने अभी तक मेहरान ही चलाई हुई है, इसके अलावा कुछ नहीं। और एक्सट्रीम लेवल का मज़ा आता है यार। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे सुपर बाइक्स के बारे में। सुपर बाइक में आपके भाई ने माशाल्लाह R6 भी चलाया हुआ है, जिक्सर 600 भी चलाया हुआ है। 1000 CC मैंने नहीं चलाया, चलाने से मुराद ये है कि बस ऐसे ही, बस हल्का फुल्का एक राउंड ही लगाया है, स्पीड वगैरह तो नहीं मारी। लेकिन एक दफ़ा मैं 1000 RR के पीछे बैठ के ऑलमोस्ट 240 का मीटर मारा था, हेलमेट पहना हुआ था। तो यार, वो भी एक नेक्स्ट लेवल मज़ा था। और अभी चल के करते हैं सैरी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं आपसे सैरी के बाद। भाई देखो यार, मैं तो हूँ एक गरीब सा बंदा, मैं बड़ा बोलता नहीं हूँ लेकिन बड़ा सोचता ज़रूर हूँ। मैं यार हूँ स्टूडेंट हूँ, छोटी मोटी साथ एक जॉब करता हूँ चंद पैसों के ऊपर। लेकिन ये जितने भी शौक़ हैं, ये फ़िलहाल तो रेंज से अभी बहुत दूर हैं, लेकिन इंशाल्लाह कभी ना कभी इनको लाजमी पूरा ज़रूर करेंगे। अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह से नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे, और अल्लाह नहीं देगा तो और कौन देगा। तो इस वजह से अभी इंशाल्लाह बाकी काम अभी अपने कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये भी इंसान के कोई ना कोई शौक़ होते हैं, इंसान ने पाले होते हैं। बाकी मेरे शौक़ तो बहुत महंगे हैं भाई, लेकिन इंशाल्लाह मैं उनको पूरा करने के लिए हर हर किस्म की मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। आज तो बहुत ज़्यादा काम है, आज हमने यार सोना नहीं है, बैठ के पढ़ना है। उसके बाद क्योंकि कल हमारा पेपर है,
सुबह हमने अपनी यूनिवर्सिटी भी जाना है, जाके अपनी रोल नंबर स्लिप और सारा कुछ सारे मामला देखने हैं। तो अभी इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ के सोएंगे नहीं, अफ्तारी वगैरह सैरी कर चुके हैं और अभी इंशाल्लाह बैठ के पढ़ेंगे, सुबह फिर यूनिवर्सिटी जाएंगे तो मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह बाद में। यार मैं आपको एक बड़ी क्रेज़ी चीज़ दिखाने लगा हूँ, आपको देख के बड़ा मज़ा आएगा। ये देखें ज़रा, ये मेरा बिस्तर है और ये ज़रा देखिए, क्योंकि मैं हूँ एक पेप्सी लवर और ये 3 से 4 बोतलें पड़ी हुई हैं जो मैंने पीनी होती हैं। यार इस टाइम हम झूले वगैरह ले रहे हैं और रोज़ा रखने के बाद मैं सोया नहीं था, अपना थोड़ा बहुत काम वगैरह किया। टाइम अभी हो रहा है 7, तो इंशाल्लाह चल के अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं और फिर चलते हैं यार अपनी यूनिवर्सिटी। कल हमारा पेपर है तो हमने जाके अपनी रोल नंबर स्लिप लेनी है, तो मिलते हैं फिर आपसे इंशाल्लाह बस में। हाँ बट मेरी वीडियो देखता है कि नहीं देखता? देखता हूँ, जरूर देखता हूँ। लाइक करता है? लाइक भी करता हूँ। कमेंट? कमेंट भी करता हूँ। चल मामा झूठ ना बोल, नहीं देखता तू? यार देखता हूँ, आवाज जाके देखने से तेरा एक भी कमेंट नहीं आता। चले देखे यहाँ जाते, चलो यार देख लेते हैं। तो यार अभी हमारे पास टाइम बड़ा कम है, अभी चल के अपने कपड़े वगैरह इस्त्री करते हैं, जाके नहाते हैं और फिर चलते हैं यार। सो फाइनली यार वी आर गेटिंग रेडी नाउ। ओ यार बाय द वे ये बटन लूज हो गया है। तो यार तैयार वगैरह हो चुके हैं, नहा भी लिया है, तो अभी चलते हैं यूनिवर्सिटी, अपनी रोल नंबर स्लिप पकड़नी है, अपना सारा सारा निज़ाम देखना है, वापस ऑफिस जाना है। तो चलते हैं यार, सी यू। तो यार अभी हम अपनी यूनिवर्सिटी से वापस आ चुके हैं, सारे मामला देख दुख लिए हैं। अभी टाइम हो रहा है पूरे 2, अभी मैं पहुँचा हूँ ऑफिस, तो अभी इंशाल्लाह जाके नमाज़ वगैरह पढ़ के फिर आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह। तो यार दफ्तर के काम से हम लोग आए हुए थे एक दुकान पे, तो अभी हम इंशाल्लाह घर जा रहे हैं। आधे घंटे के निकले हुए हैं और स्टाम्प पेपर ही नहीं मिल रहा। सो फाइनली यार अभी हम क्या नाम है ऑफिस से जा रहे हैं घर, और घर जाके करेंगे इफ्तारी वगैरह। आज का रोज़ा बहुत लगा है, आज बहुत काम किए हैं। तो यार अभी हम घर आ चुके हैं, अफ्तारी भी कर ली है और सारे काम करके फारिग हो चुके हैं। तो यार तबीयत नहीं ठीक, इसी व्लॉग को करते हैं इधर ही ख़त्म। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।